नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टेक इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। गाइज, अगर आपका फ़ोन पे सिम कार्ड डिटेक्ट नहीं हो रहा है, यानी काम नहीं कर रहा है, जब भी आप सिम को इनपुट करते हो वहाँ पे बिल्कुल कुछ भी शो नहीं होता है, एंड कभी कभी क्या होता है क्रॉस भी शो होता है, या तो फिर अदर फ़ोन पे सिम कार्ड काम कर रहा है लेकिन इस फ़ोन पे काम नहीं कर रहा है, चाहे आपका वीवो, ओप्पो, मोटोरोला, रेडमी या सैमसंग या अदर कोई डिवाइस का फ़ोन क्यों ना हो, इसका सॉल्यूशन क्या है मैं ऑलरेडी इसके लिए एक वीडियो बना दिया, तो आपको अगर देखना है तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो ये जो वीडियो है पार्ट टू है। बहुत सारा व्यूअर ने कमेंट किया था कि सर सिम कार्ड निकालने के बाद काम नहीं कर रहा है, एंड बहुत सारा और भी टाइप का प्रॉब्लम था, तो मैं इसके लिए कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को जरूर लाइक करें। वीडियो को लाइक का टारगेट है 50 ओनली 50। आई होप कि आप कंप्लीट कर दोगे। तो चलिए इसे वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे जो मोबाइल पे सिम रहता है, एंड सिम जो काम नहीं करने का मेन रीज़न क्या होता है, दो कारण से हो सकता है। एक तो आपका सिम में प्रॉब्लम हो सकता है, एंड आपका फ़ोन में प्रॉब्लम हो सकता है। फ़ोन का जो प्रॉब्लम है वो भी दो कारण से हो सकता है, एक हार्डवेयर की वजह से, एक सॉफ्टवेयर की वजह से। एक एक पॉइंट बताऊंगा आपको वहाँ पे फॉलो करना। सबसे पहले बताऊंगा सिम के बारे में। गाइस देखिए, यहाँ पे सिम पे अगर प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले सिम को निकालना है, निकालने के बाद क्लीन करके फिर से डालना है फ़ोन पे। एंड मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि पोर्ट चेंज करें, अगर वन पे था तो टू पे करें, टू पे था तो वन पे करें, देन मोबाइल को रिस्टार्ट करें या स्विच ऑफ करके ऑन करें, फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सेकंड, अगर आपका सिम में प्रॉब्लम है आप ऑब्वियसली केयर में कॉल करें, चाहे आपका जियो है, चाहे एयरटेल, चाहे वीआई है, आप केयर में कॉल करें कि मेरा यहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन उन लोग निकाल देगा। थर्ड, यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका फ़ोन में जो वैलिडिटी, जैसे BSNL में बता दूँ, BSNL में वैलिडिटी होता है, एंड वैलिडिटी एक्सपायर होने के बाद सिम बिल्कुल काम नहीं करता है, तो वैलिडिटी चेक करना है। एंड साथ साथ पोस्ट पेड में भी सेम ऐसे प्रॉब्लम होता है, आपको वहाँ पे चेक करना है। अब कैसे चलते फ़ोन में जैसे पहले बताया कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की वजह से होता है, तो सबसे पहले बता दूँ आपको फ़ोन पे जाना है। फ़ोन पे जाने के बाद एक कोड डायल करना है, डायल पैड में जाके *#06#, एंड आपको जाके चेक करना है IMEI नंबर। एंड अगर आपका फ़ोन में दो सिम है, दो IMEI नंबर आएगा, तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि दो IMEI नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर एक आ रहा है मतलब एक पोर्ट खराब है, आपको वहाँ पे रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, ऐसे यहाँ पे तो अगर आपका फ़ोन पे दोनों IMEI नंबर आ रहा है फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले गाइस आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको ऐप मैनेजर का सेटिंग मिल जाएगा फ़ोन पे, यानी कि सेटिंग पे ऐप मैनेजर पे क्लिक करना है। देन आपका फ़ोन में जितना भी ऐप है सभी आपको शो होगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है सिम टूल किट्स, एंड सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्टोरेज मिलेगा, स्टोरेज के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको क्लियर डाटा एंड क्लियर कैच डाटा करना है। देन आपको सिम को निकाल लेना है। एक बार निकाल लेने के बाद मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन करना है। देन आपको इनपुट करना है, फिर देखोगे आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और भी कारण की वजह से हो सकता है, अगर आपका मोबाइल पे जो सॉफ्टवेयर का वर्जन है पुराना है, एंड आपको अपडेट वर्जन का नोटिफिकेशन आ गया, तो आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना है। सेटिंग पे जाना है, एंड फ़ोन का जो अपडेट वर्जन वहाँ पे चेक करना है, एंड अगर अपडेट अवेलेबल है तो आपको अपडेट करके मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन करना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है मैं बताऊँगा आपको करना है। आपका फ़ोन पे सिम रहेगा, एंड आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद ऑप्शन मिलेगा सेटिंग में रीसेट एंड बैकअप, एंड उसके ऊपर क्लिक करना है सिंपली। एंड आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, तीनों में से सबसे पहले करना है आपको रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग। नेटवर्क सेटिंग मतलब आपका सिम का एंड वाईफाई का जितना भी नेटवर्क का ऑप्शन है सभी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगा। यहाँ पे कोई भी डाटा लॉसेस नहीं होगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। बस सेटिंग रीसेट करना है, देन मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन करना है। आई होप कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैसे यहाँ पे मैं एक आपको टिप्स देना चाहता हूँ। आप YouTube में बहुत सारा वीडियो देखे होंगे कि *#*#4636 ऐसे करके बहुत सारा कोड रहता है, और वहाँ पे बोला जाता है कि आप एयरप्लेन मोड ऑन करके भी नेट ऑन कर सकते हो, कुछ सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। गाइस मैं यहाँ पे 100% बता दूँ कि आप बिल्कुल ये जो *#*#4636 ये वाला जो कोड है, उसके बाद जितना भी ऑप्शन आता है बिल्कुल आप छेड़खानी ना करें। बहुत ही वाइटल सेटिंग होता है फ़ोन का, तो अगर आप छेड़खानी कर लिया तो बिल्कुल फ़ोन काम नहीं करेगा। इसके बाद जो मैं सेटिंग बताऊंगा, अगर आपका फ़ोन में इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आपको रीसेट ऑल सेटिंग करना है। रीसेट ऑल सेटिंग मतलब आपको अगेन सेटिंग पे जाना है। जैसे आप नेटवर्क सेटिंग देखे थे, रीसेट नेटवर्क सेटिंग, उसके ऊपर या नीचे ही मिल जाएगा रीसेट ऑल सेटिंग। यहाँ पे जितना भी फ़ोन का सेटिंग है बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, इसमें भी कोई भी डाटा लॉसेस नहीं होगा आपका फ़ोन का, चाहे आपका SD कार्ड का, तो आपको करना है। देन आपको मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन करना है। एंड उसके बाद जो सबसे वाइटल एंड मैक्सिमम रीज़न होता है इसका, आपका फ़ोन का जितना भी कैच डाटा उसको डिलीट करना है, यानी क्लियर करना है। कैच डाटा आप कैसे करेंगे, जैसे वीवो पे आपको स्विच ऑफ करके वॉल्यूम अप एंड पावर को साइमेंटेनियसली प्रेस करके रखना है, एंड उसके बाद आपको कैच डाटा का ऑप्शन मिल जाएगा।
अगर आपने वीडियो देखा नहीं तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो कैच डाटा क्लियर करने के बाद आपका फ़ोन पर जितना भी जंक फाइल, जितना भी आलतू फालतू चीज़ है, सभी डिलीट होगा एंड आपका फ़ोन रिस्टार्ट होके सिम को डिटेक्ट करना शुरू कर देगा। आई होप कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड लास्ट में जो पॉइंट बताऊंगा आपको यहाँ पे, मेरा एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि आपको यहाँ पे ट्राई करना है। अगर आपका सिम सही है, फ़ोन पे भी IMEI नंबर शो हो रहा है एंड आपने कुछ भी छेड़खानी नहीं किया, तो उसके बाद ये सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। रिपेयर सेंटर में तो लेके जाना है, बट उससे पहले ये आपको सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्या सेटिंग है? आपको फ़ोन को हार्ड रीसेट करना है। आपको जितना भी डाटा है फ़ोन का, चाहे SMS चाहे जीमेल, सभी आपको बैकअप ले लेना है। बैकअप लेने के बाद फ़ोन का हार्ड रीसेट करना है, यानी कि फैक्ट्री रीसेट डाटा करना है। उसके बाद आपका मोबाइल पे जितना भी जंक फाइल सब कुछ डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद आप जैसे नया फ़ोन लेते सेम ऐसे आपको प्रोसेस करके ऑन करना पड़ेगा। एंड गाइस यहाँ पे बता दूँ, ये सब कुछ सेटिंग आपने कर लिया एंड सेटिंग करने के बाद भी नहीं हो रहा है, सिम भी सही है, फ़ोन में भी सही है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, तो आप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो आपका मोबाइल पे, जो एंड्रॉइड के लिए बिल्कुल प्ले स्टोर में अवेलेबल है, जिसका नाम है एंड्रॉइड डिवाइस ऑप्टिमाइजर। तो आप इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट रिपेयर का ऑप्शन मिलेगा फ्रंट पेज में ही, आपको उस पर क्लिक करना है एंड आपको स्टेप बाय स्टेप सभी दिखा देगा क्या क्या आपका फ़ोन में प्रॉब्लम है या नहीं है। उसके बाद आप फ़ोन को उसी हिसाब से आप रिपेयर कर सकते हो। एंड अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, आप इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आए एंड अगर वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।